क्वेश्चन नंबर वन, एक 12 बिट फ्लैश एडीसी में कितने तुलना कारक की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 2512, ऑप्शन बी 3095, ऑप्शन सी 4095, ऑप्शन डी 4000। इसका आंसर है ऑप्शन सी 4095। क्वेश्चन नंबर टू, यदि डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का रिजोल्यूशन उसके पूरे स्केल की श्रेणी का लगभग 0.4% है तो वह एक खाली स्थान है? ऑप्शन ए 12 बिट कन्वर्टर, ऑप्शन बी 8 बिट कन्वर्टर, ऑप्शन सी 16 बिट कन्वर्टर, ऑप्शन डी 10 बिट कन्वर्टर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 बिट कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर थ्री, उत्तरोत्तर आसन्नीकरण तकनीक पर आधारित 8 बिट एडीसी 1 MHz की एक घड़ी का उपयोग करता है। विश्वसनीय रूपांतरण के लिए एनालॉग सिग्नल में अधिकतम आवृत्ति होगी? ऑप्शन ए 125 KHz, ऑप्शन बी 62.5 KHz, ऑप्शन सी 250 हर्ट्स, ऑप्शन डी 125 हर्ट्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए 125 KHz। क्वेश्चन नंबर फोर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में सैंपल एंड होल्ड परिपथ का उद्देश्य है? ऑप्शन ए कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान बाइनरी काउंटर के आउटपुट को सैंपल और होल्ड करना, ऑप्शन बी कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान कंपैरेटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को स्थिर करना, ऑप्शन सी कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान इनपुट एनालॉग सैंपल को स्थिर करना, ऑप्शन डी कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान DA कन्वर्टर स्टेयर वेवफॉर्म को सैंपल और होल्ड करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान इनपुट एनालॉग सैंपल को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर फाइव, बेसिक शिफ्ट प्रतिरोध का परिचालन किसके लिए होता है? ऑप्शन ए सीरियल इन सीरियल आउट, ऑप्शन बी सीरियल इन समानांतर आउट, ऑप्शन सी समानांतर इन सीरियल आउट, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यदि एक अनुरूप की रेंज 0 से 10 वोल्ट हो तो 5 mV के विभेदन के लिए एडीसी की बिट्स कितने होंगे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका आंसर है ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर सेवन, बहुकंपित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी बहुकंपित्र दोलक होते हैं, ऑप्शन बी कोई भी बहुकंपित्र दोलक नहीं होता है, ऑप्शन सी केवल स्वचालित बहुकंपित्र दोलक होते हैं, ऑप्शन डी स्वचालित और द्विस्थितिक बहुकंपित्र दोलक होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी केवल स्वचालित बहुकंपित्र दोलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, एन बिट एडीसी के सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए रूपांतरण के लिए 2n क्लॉक पल्सों, एक अप डाउन काउंटर और एक DAC। ऑप्शन बी रूपांतरण के लिए n क्लॉक पल्सों, एक द्विआधारी काउंटर और तुलनित्र। ऑप्शन बी रूपांतरण के लिए 2n क्लॉक पल्सों और एक द्विआधारी काउंटर केवल। ऑप्शन डी रूपांतरण के लिए n क्लॉक पल्सों, एक अप डाउन काउंटर और एक DAC। इसका आंसर है ऑप्शन डी रूपांतरण के लिए n क्लॉक पल्सों, एक अप डाउन काउंटर और एक DAC। क्वेश्चन नंबर नाइन, इनमें से कौन सा सिक्वेंशियल परिपथ है? ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी नैंड गेट, ऑप्शन सी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी एक्सोर गेट। इसका आंसर है ऑप्शन सी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्वेश्चन नंबर टेन, एक 2 बिट एडर को बनाने हेतु निम्न की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए एक पूर्ण तथा एक अर्ध एडर, ऑप्शन बी एक पूर्ण एडर, ऑप्शन सी 2 अर्ध एडर, ऑप्शन डी 1 अर्ध एडर।
इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक पूर्ण तथा एक अर्ध एडर।